नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सविता, स्त्री रोग व प्रसूति तज्ञ, श्री बालमुकुंद हॉस्पिटल पारिश वार्ड, श्री बालमुकुंद क्लिनिक खानापुर और श्री बालमुकुंद क्लिनिक बीडी। आज अबॉर्शंस क्यों होते हैं इसके बारे में माहिती देना चाहती हूँ। अबॉर्शंस हुआ है ऐसे माहिती देते ही पेशेंट और उनके रिश्तेदार बहुत दुख में चले जाते हैं। हम बराबर दिखा रहे हैं, इलाज भी बराबर करा रहे हैं और आप जो बोलते हैं हम वही फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये अबॉर्शन क्यों हुआ? ये बहुत बड़ा परीक्षा का टाइम है। पेशेंट को लगता है, रिश्तेदारों को लगता है कि हम डॉक्टर्स गलत किए हैं, लेकिन ये बड़ा गलत झूठ है। कभी भी हम डॉक्टर्स पेशेंट को या बच्चे को तकलीफ होने जैसे कभी भी इलाज नहीं करते। अभी ये ऐसे क्यों हुआ है, अबॉर्शंस क्यों हुआ है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेना चाहती हूँ। जैसे हम हर साल खेत में बीज बोते हैं, गोबर पानी डालते हैं और अच्छा फसल आने का आशा करते हैं, वैसे ही महिला एक बार प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक पेट के अंदर बच्चा अच्छी तरह से पले बड़े और 9 महीने को अच्छी तरह से डिलीवरी होके बच्चे हाथ को लगे बोल के आशा करते हैं। लेकिन जैसे खेत में हर बार फसल अच्छा नहीं आता, हर पेड़ अच्छा फसल नहीं देता, वैसे ही हमारे भी पेट में हर बच्चा तंदुरुस्त नहीं रहता। पहले 3 से 4 महीने तक अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं, 5वें, 6वें, 7वें महीने में थोड़े कम, 8वें, 9वें महीने तो बहुत ही कम अबॉर्शंस होते हैं। अभी ये अबॉर्शंस क्यों होते हैं इसके लिए हज़ारों हज़ारों कारण हैं। वो पेशेंट में काळजी करने में गलती रह सकता है, गोली दवा लेने में गलती रह सकता है, या सब बराबर है तो भी वो बच्चे में ही अड़चन रह सकता है। अभी ये अड़चन कहाँ पे है वो ढूंढ के उसका इलाज कराना अच्छा है। डॉक्टर्स गलत है, रिश्तेदार गलत है, पेशेंट गलत है, ऐसे इल्ज़ाम करते करते घूमे फिरेंगे तो इसका सलूशन नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। जो अबॉर्शन हुआ है और ऑलरेडी हो गया है, अबॉर्शन होने के बाद आगे क्या करना उसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट, एक बार अबॉर्शन हुआ तो आगे का बच्चे के लिए क्या करना, प्लानिंग कैसे करना, वो सब रहता है। बहुत सारे लोग इसमें नज़रअंदाज करते हैं, अबॉर्शन हुआ हो गया, बाद में फिर से बच्चा ठहरता है, फिर से अबॉर्शन होता है, ऐसे क्यों हुआ वो सोचते नहीं। स्त्री रोग तज्ञ के पास दिखा के स्पेशल टेस्ट सब करा के उसका इलाज कराना, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना। अबॉर्शन जो हुआ है वो दुख है, हमें भी है और आपको भी रहता है, लेकिन उसको पार करके आगे का सोचना अच्छा है। उसी में क्यों हुआ बोल के रोने से क्या भी होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग, वो डॉक्टर की गलती से ऐसे हुआ है, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसे बोल के डॉक्टर्स चेंज करते जाते हैं। डॉक्टर्स चेंज करने से क्या फ़ायदा नहीं, आपके नसीब में अगर अड़चन आना है तो वो अड़चन कहीं पर भी जाए वो आता ही है। इसीलिए डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करना, डॉक्टर्स को गलत बोलना नहीं चाहिए। आपका भी नसीब बोल के रहता है, उसमें भी अड़चन रहा तो ऐसे होने का चांसेस रहती है। इसीलिए जो भी है, हम डॉक्टर्स पेशेंट और रिश्तेदार सब हिम्मत से सहन करके उसका आगे का सलूशन ढूंढना होशियारी है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते घूमे फिरे तो क्या भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए अबॉर्शंस जब होती है वो दुख का समय है, लेकिन हिम्मत से उसको फेस करना और आगे का रास्ता देखना भी हिम्मत वाला काम है। इसीलिए अगर ऐसे क्या भी रहता है तो डॉक्टर्स के साथ अच्छी तरह से बात करके उसका सलूशन लेके आगे बढ़ना होशियारी है। थैंक यू।